ब्रिटन बाद अमेरिका पण भारतीय पीएम बनी शके छे। जेमनो अवाज सांभळता भगवानमां तल्लीन थई जवाय, જેમના ભજન સાંભળતા જેમ લાગે કે કદાચ ભગવાન મારી સામે વાત કરી રહ્યા છે, સીધો સંવાદ કરી રહ્યા છે, આત્માને તલ્લીન કરી દેવા એમના ભજનો, જ્યારે સવારે એમની શરૂઆત એમના ભજનથી થાય તો દિવસ તમારો બની જાય। અને એવા જ મહાન ભજનિક અમદાવાદના જે મહેમાન બન્યા છે એમની સાથે વાતચીત કરવાની કોશિશ કરીશું। એમના ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી, તમે જોતા જ ઓળખી જશો। અનૂપ જલોટાજી, અનૂપજી આપનું સ્વાગત છે સંદેશ ન્યૂઝ ચેનલમાં। બહોત બહોત શુક્રિયા। એક આપને જો વાત કહી વો થી કે આજ વો પહેલે જો સોને કી ચિડિયા હુઆ કરતી થી જિસકો બહોત લૂટા, આજ પ્રધાનમંત્રી મોદીને સોને કે શેર બના દિયે હૈ, तो वो क्या था, मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, उसमें मैं ये कहना चाहता था कि अब तो इंडियंस की पोजीशन वो है कि जिन लोगों ने इंडिया को लूटा था वहां का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है, सनातनी है, उसके घर में दिन रात पूजा पाठ होता है। अब वो भी दिन दूर नहीं है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी इंडियन बन जाएगा। तो हम एक ऐसी पोजीशन पे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की जो नई पौध आ रही है, जो नए बच्चे काम कर रहे हैं, उन्हीं सब के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में चल रही हैं। यहीं के ब्रेन हैं जो नासा को चला रहे हैं, यहीं के ब्रेन हैं जो आप बोइंग फैक्ट्री में चले जाइए सिएटल में तो वहाँ वो बैठे हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ सीईओ बैठे हैं अपने, इंडियंस वो काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो टैलेंट्स हैं, जो ब्रेन्स हैं, उन्होंने गजब ढाया हुआ है और हमारे देश का जो नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं तो उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। बस काश हर प्रदेश जो है वो गुजरात जैसा बन जाए। गुजरात में आके मजा आ जाता है। और मैं एक बार मैंने मोदी जी को कहा था, जब वो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उनका कुछ उनकी चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद इनको ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो मैंने उनके साथ कुछ समय यहाँ गुजारा गांधीनगर में, और फिर मैंने जाते जाते उनसे कहा कि मोदी जी आप प्राइम मिनिस्टर मत बनिएगा। तो कहते क्यों? मैंने कहा आप हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाइए तो हर स्टेट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हंसने लगे कि ये तो किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा देखिए, मैंने आपको कहा क्योंकि आपने जैसा गुजरात को बना दिया है, ऐसे ही आप जैसा व्यक्ति अगर चीफ मिनिस्टर हर प्रदेश में हो तो सोचिए देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जी सर, आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात कही और साथ ही साथ सनातन को भी याद किया, और मैं इसी चीज़ को आगे जोड़ते हुए बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में और सनातनियों का जो भरोसा इतने सालों से रहा, वो भगवान राम का मंदिर अभी भव्यातिभव्य तैयार हो रहा है और 22 तारीख उस पर आ गई है। कुछ भजनों के साथ इस बात की आप शुरुआत करेंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। सर, परसों रात को ही मेरा अयोध्या में कॉन्सर्ट था और अब 20 जनवरी को फिर है, फिर 22 जनवरी को जिस दिन उद्घाटन है उसमें भी मुझे बुलाया गया है, वहाँ भी मैं जाऊँगा। तो सामने देखेंगे वो उद्घाटन की जो सेरेमनी है, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। दो पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। तुलसी जी ये कहते हैं कि जो रामायण को केवल रामचरित मानस को केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा जीवन बनाना पड़ेगा। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ, धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। एक और सर भगवान राम पर सुनिए। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्या बात सर,
पर एक भजन जो आपका नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना हमने, वो जो आपका सबसे प्रिय भजन सर प्लीज। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। क्या बात सर। एक जो है वो आज गुजरात से हम इस हमारे दर्शकों को एक मैसेज साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि जब आप गाते हो तो सर कोई प्रांत कोई भाषा वो सारी चीज़ें परे हो जाती है, बस आपको सुनने में लोग मग्न हो जाते हैं। भगवान राम और कृष्ण पर आप गाते हैं, जब आदमी बहुत स्ट्रेस में हो और प्रभु भक्ति में जब वो प्रे करता है तो जब आत्मा से आवाज़ आती है और जब आपके भजन जब सुनता है तो उसको लगता है कि भगवान मेरी बात सुनता है, मैं उससे बातचीत करता हूँ। आपका सबसे पसंदीदा भजन जब कोई आदमी स्ट्रेस में भी सुने तो वो प्रफुल्लित हो जाए, वो आपको कौन सा ऐसा भजन लगता है जो ऐसा हमारे दर्शकों को बताएंगे? राम के भजन जो भी सुनते हैं, राम के भजन जो भी सुनते हैं, राम भी हमेशा उनकी सुनते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो खूब खूब धन्यवाद सर तमे अमारी साथे जोड़ाया ने गुजराती दर्शकों माटे एमणे भजन नी साथे साथे भगवान राम ने पण याद कर्या छे। कैमरामैन संदीप उपाध्याय साथे मनीष पुरोहित, संदेश न्यूज अमदावाद।